हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह फिर से मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाला हूं कि बेबी सीटर काम माल्टा में कितना ज्यादा है और इसके क्या पे स्केल है। इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और कोई भी टॉपिक मेरे चैनल से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे फेसबुक हैंडल द जर्नी सीकर्स पे आप लाइक करके मुझे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मैं मेडिकल के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ और जैसे मैंने पिछली बार वीडियो चाइल्ड केयर के ऊपर बनाई थी जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इस बार मैं आप लोगों के साथ एक और बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि बेबी सिटर के काम के हवाले से है। मुझे भी बहुत अरसे से मैंने इसे एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मेरे कुछ जाने वाले कॉन्टैक्ट हैं, उनको भी ईमेल आया क्योंकि वो चाइल्ड केयर में काम करते हैं तो वो एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। और मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए कि बेबी सीटर का काम। दोस्तों, ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो भी चाइल्ड केयर का जिनके पास डिप्लोमा है और वो ऑलरेडी चाइल्ड केयर में काम कर रहे हैं या वो इंटरेस्टेड हैं बेबी सीटर का काम करने के लिए, तो बेबी सीटर का प्रोफेशन ये होता है कि आपको कम्युनिटी में या घर में आपको जो है ये काम करना पड़ता है। कुछ कोई छोटा बच्चा है और माँ बाप दोनों जो है वो दोनों काम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को कोई लुक आफ्टर करे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चा जो होता है स्पेशल कंडीशन के साथ होता है, ADHD के साथ हो सकता है, OCD के साथ हो सकता है, तो माँ बाप उसे चाइल्ड केयर में नहीं रखते और घर पर रखते हैं जिसका पे स्केल बहुत अच्छा है। आप देखें कि अगर पब्लिक हॉलीडे है तो बेबी सिटर जो है उसको 11 यूरोस पर आवर मिलते हैं और सॉरी, अगर नॉर्मल डेज पे जो बेबी सिटर है उसे 8 यूरोस पर आवर मिलते हैं और अगर पब्लिक हॉलिडे है तो उसे 14 यूरोस पर आवर मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा रेट है दूसरे पेशे के हवाले से। और इसके अलावा आपको रहने की फैसिलिटी मिल जाती है क्योंकि आपको हर वक्त जो है क्लाइंट के साथ रहना पड़ता है, आपको रहने की फैसिलिटी मिलती है, आपको खाने की फैसिलिटी मिलती है, आपकी तमाम चीज़ों के अखराजात जो हैं वो आपका एम्प्लॉयर ही उठाता है। आप जैसे प्राइवेट क्लाइंट के साथ हैं या अपनी कंपनी के साथ हैं, ऑफकोर्स आप जहाँ पर रह रहे हैं आपके सारे खर्चे वो उठाएंगे और पे रेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए कि जिनके पास पहले से या तो बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है या उनके पास चाइल्ड केयर का डिप्लोमा है, और ये वो भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी चाइल्ड केयर में काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम में जैसे संडे या सैटरडे ये काम कर सकते हैं, या वो फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो फिर भी ये काम कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में ज़रूर एक लिंक शेयर करूँगा, आप उन्हें अप्रोच करें, आप उनसे बात करें और ज़रूर उनको इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में ये लोग चाहिए हैं, खसूसन अगर लोकल्स हों, माल्टा के अंदर रहने वाले हों तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इस चीज़ का अभी मुकम्मल श्योर नहीं हूँ कि वो फॉरेन से जो है वर्कर्स को भी माल्टा के अंदर जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको अप्रोच करें और देखें कि किस तरीके से आपको रिस्पांस मिलता है, और जो भी रिस्पांस मिलता है आप मेरी वीडियो में भी शेयर कर सकते हैं जिसमें आप मेरे इल्म में भी इजाफा कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी उनको अप्रोच करने की कोशिश करूँगा और आपके लिए एक मालूमती वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा इसके ऊपर। दोस्तों, मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और कोई भी टॉपिक अगर मेरे चैनल से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।